बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर, बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी रामविलास 5, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक एक सीट पर लड़ेंगे चुनाव। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, अररिया, मुजफ्फरपुर से बीजेपी लड़ेगी चुनाव। पटना साहिब, नवादा, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। पशुपति पारस को एनडीए में नहीं मिली एक भी सीट, चिराग पासवान ने कहा समय कर रहा चाचा के साथ न्याय, हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग। नीतीश कुमार के साथ होने के सवाल पर बोले चिराग, जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है तो छोटी बातों को नहीं देखा जाता। एलजेपी रामविलास को बिहार में 5 सीटें मिली, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने जताया आभार, कहा एनडीए गठबंधन बिहार में सभी 40 सीट जीतेगी। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू में हुई शामिल, लवली आनंद जेडीयू से चुनाव लड़ेंगी, शिवहर से रमा देवी का टिकट कटा। राहुल के शक्ति वाले बयान पर सियासी संग्राम, तेलंगाना की रैली में पीएम ने कहा शक्ति के लिए लगा दूंगा जान की बाजी, मेरे लिए हर महिला शक्ति का रूप। पीएम मोदी बोले विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, पर मेरे लिए हर माँ हर बेटी शक्ति का रूप है। शक्ति पर दिए बयान पर गिरने के बाद राहुल गांधी का ट्वीट, कहा जिस शक्ति का मैंने जिक्र किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। राहुल ने कहा पीएम मोदी एक ऐसी शक्ति हैं जिन्होंने भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटीईडी को, चुनाव आयोग को अपने चंगुल में दबोचे रखा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में आसुरी शक्तियां। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने तेलंगाना को एटीएम बनाया, तेलंगाना में कांग्रेस वादे क्यों नहीं पूरे कर रही, अब की बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। शिवमोगा पहुंचकर पीएम मोदी ने कहा कई राजनीतिक दल कहते हैं नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, मेरे देश की नारी शक्ति वोटर नहीं, मां शक्ति स्वरूपा है। पीएम ने कहा कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक की साख को धक्का लगाया, एनडीए के सांसद चुनकर आए तो केंद्र की योजनाओं को अच्छी तरह लागू कराएंगे। कर्नाटक में बीजेपी के लिए अपार जन समर्थन देकर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में डूबे एनडीए गठबंधन की नींद उड़ गई होगी, पीएम मोदी का तंज। बीजेपी नेता तरुण चुग ने शक्ति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का बयान, जनता ने पीएम मोदी को शक्ति दी है और देश को शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में की रैली, प्रदेश बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद थे। 1998 के कोयम्बटूर बम विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, 58 लोगों की हुई थी मौत। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदर्या राजन ने दिया इस्तीफा, पुडुचेरी के एलजी का पद भी छोड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। पीएम मोदी बोले तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस एक दूसरे के लिए कर रहे हैं कवर फायर, पर मोदी लूट करने वालों को छोड़ेगा रही, ये मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए, गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड के डीजीपी को हटाने के आदेश। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, बीजेपी चुनाव आयोग जैसी संस्था को हथियाने की कोशिश में जुटी। सीएम योगी से मिली मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, बीजेपी ने शिष्टाचार भेंट बताया लेकिन किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें हुई तेज। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर, बेटा अरविंद राजभर भी साथ, अरविंद घोसी से एनडीए के उम्मीदवार भी हैं। ओम प्रकाश राजभर बोले राहुल गांधी चुनावी रिजल्ट जानते हैं और इसीलिए पहले ही ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश ने भी चुनाव से दूरी बनाई है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का तंज, इस बार कांग्रेस चुनाव से पहले ही ईवीएम पर हमलावर हो गई, यानी जनता तीसरी बार भी पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनने वाली है। बीजेपी नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ईवीएम का खेल है, अगर ईवीएम खराब है तो कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश की सरकार इस्तीफा दे। दिल्ली के सभी 7 बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों ने दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जीत का दावा किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटें जीतेंगे, पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज होने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली की जनता की आंखें अब खुल रही हैं। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने केजरीवाल को लापरवाह नेता बताया, कहा जांच से भागकर उन्हें क्या हासिल होगा, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो वो जांच से डर क्यों रहे हैं, ईडी का सामना करें। बिहार में कैबिनेट विस्तार से कुछ बीजेपी विधायक हुए नाराज, पटना में विधायक राजू सिंह के घर पर पार्टी रखी गई, मिश्रीलाल यादव बोले विधायकों से ज्यादा एमएलसी को मिली तरजीह। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोले पशुपति पारस के साथ उनके घर का भी वोट नहीं, मुकेश सहनी अपने समाज के नेता, हम उनका इंतजार क्यों करेंगे। सारण सीट से इंडिया अलायंस की कैंडिडेट हो सकती है रोहिणी आचार्य, जनविश्वास महारैली के दौरान रोहिणी का परिचय कराया गया था। आरजेडी नेता सुनील सिंह ने पोस्ट कर लालू से की मांग, रोहिणी आचार्य को सारण से दिया जाए लोकसभा टिकट, ये सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले सारण में राजीव रूढ़ी के सामने नहीं टिकेंगी रोहिणी आचार्य, लालू यादव को भी हरा चुके हैं रूढ़ी। महा विकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर बनी सहमति, सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट 22, कांग्रेस 16 और शरद पवार की पार्टी 10 सीट पर लड़ सकते हैं।
बारामती में श्रीनिवास पवार ने छोटे भाई अजित पवार की आलोचना की, कहा शरद पवार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इस उम्र में उन्हें छोड़ना गलत है। संजय राउत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बताया देश का नेता, कहा राहुल गांधी में अगला प्रधानमंत्री देखते हैं लोग, हम उनके साथ हैं। अशोक चौहान का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा उनके बयान में कोई सच्चाई नहीं, ना मेरी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और ना ही मैंने कुछ कहा था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, गुजरात में जबकि महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव, ऐसा क्यों। कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर ने छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी ज्वाइन की, रतलाम के 64 कांग्रेसी नेता भी बीजेपी में जुड़े। कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है, महाराष्ट्र के वन मंत्री और चंद्रपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार का बयान। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का किया शुक्रिया, कहा उनके आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराए जा सकते हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का दावा, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है। चुनावी बॉन्ड पर SBI को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, कहा 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी दे, कुछ भी छिपाया ना जाए। CGI ने कहा कि SBI बॉन्ड पर चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते, SBI के वकील ने कहा हमारी गलत छवि बनाई जा रही है, हम पूरा डेटा देने के लिए तैयार है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को दी डेडलाइन, 21 मार्च तक चुनाव आयोग को दे पूरी जानकारी, SBI को कोर्ट में हलफनामा भी देना होगा। चुनाव आयोग ने जारी किया नया आंकड़ा, 2017 से 2024 के बीच बीजेपी को 6000 करोड़ और कांग्रेस को 1334 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। दिल्ली के CM केजरीवाल ने ED के समन को आज फिर ठुकराया, अचल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, आपने ED के समन को गैर कानूनी बताया, कहा जब कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दे दी है तो ED बार बार समन क्यों भेज रही है। केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला केस में भी मिला नवा समन, ED ने 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले केजरीवाल ने दिल्ली में किए इतने घोटाले कि जांच की डाल लेनी चाहिए उन्हें अबादत। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह कल राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे, दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची के कविता, दिल्ली शराब पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने अरेस्ट किया है। गवर्नर RN रवि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, पोनमुडी को मंत्री बनाने से इंकार के खिलाफ लगाई याचिका। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा जो कार्रवाई करनी है करें, जब FIR में मेरा नाम है तो अधिकारियों का नाम भी आना चाहिए था। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, आर्म्स लाइसेंस केस में मिली बेल। करनाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कश्यप सम्मेलन को किया संबोधित, बोले कोई भी समाज हो उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए प्रति माह करेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मां कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ किया। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा अब तक कैंसिल नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग की सफाई, अभी नहीं मिले हैं पूरे सबूत। इंडियन नेवी का बीच समंदर में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, 35 समुद्री लुटेरों ने किया सिलेंडर, 3 महीने पहले जहाज को किया था हाईजैक। कोलकाता में बोले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, मैं CAA के खिलाफ कुतर्कों को दूर करने के लिए आवेदन करूंगा। गुरुद्वारा श्री अर्जन देव जी कमेटी के अध्यक्ष बोले CAA से समस्याएं खत्म होंगी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हुई घटना के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनावों को लेकर UP के एटा में वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा अभियान, 12 घंटे के अंदर 121 अभियुक्त गिरफ्तार। बेंगलुरु में अजान के वक्त कुछ लोगों ने एक दुकानदार को पीटा, पुलिस ने FIR दर्ज की। पीड़ित दुकानदार का आरोप, अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाने पर पिटाई की गई, जान से मारने की भी धमकी दी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का आरोप, जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया। मुजफ्फरनगर में टीचर की हत्या, बोर्ड परीक्षा की कॉपियां लेकर पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे टीचर, सिपाही ने विवाद के बाद बरसाई गोलियां। शिक्षक की हत्या के बाद गुस्साए शिक्षकों ने सड़क पर लगाया जान, मृतक की पत्नी को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। दक्षिण कोलकाता के मोटिया ब्रिज में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। इमारत ढहते ही तेज आवाज के साथ धूल का उठा गुबार, लोगों में मची दहशत, हालांकि निर्माणाधीन बिल्डिंग में कोई नहीं था। दक्षिण कोलकाता के यूनिपोन अस्पताल पहुंचे CM ममता, इमारत हादसे में घायल लोगों का हालचाल लिया। बिहार के खगड़िया में दर्दनाक हादसा, कार और ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में कई लोगों की मौत। अजमेर में मदार स्टेशन के पास साबरमती आगरा एक्सप्रेस डीरेल हुई, इंजन के साथ 4 कोच पटरी से उतरे। मौके पर पहुंचे रेलवे के कर्मचारी, ट्रेन से 4 कोचों को किया गया अलग, दूसरे इंजन के साथ एक्सप्रेस ट्रेन को आगरा रवाना किया। यूट्यूबर रेलवेश यादव ने रेव पार्टी में सांपों का जहर मंगवाने की बात कबूली, NDPS एक्ट के तहत केस हुआ दर्ज, 20 साल तक की हो सकती है सजा। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम को सफलता, सिंगापुर से आया यात्री अरेस्ट, 410 ग्राम गोल्ड बरामद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जबरवान पहाड़ रेंज में लगी आग, आग बुझाने में जुटा प्रशासन।
जम्मू कश्मीर के जो जिला दर्रे से हटाई जा रही है बर्फ, अभियान में जुटी बीआरओ की टीमें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाईलैंड पार्क में 17,000 से अधिक ट्यूलिप फूल, पर्यटकों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। भोपाल में IIT इंजीनियर का कमाल, बनाई कमांड पर चलने वाली रोबोटिक कार, बिना ड्राइवर के ट्रैफिक में चलती है ये कार। लंबी छुट्टियों के बाद भारत लौटे विराट कोहली, 19 मार्च को बेंगलुरु में RCB अनबॉक्स इवेंट में होंगे शामिल। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल टीम से जुड़े, गुजरात ने अपने कप्तान का जोर शोर से स्वागत किया। IPL के पहले KKR के कप्तान श्रेयस अय्यर को NCA ने फिट घोषित किया, अय्यर की कमर में परेशानी थी। IPL से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बुरी खबर, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान हुए चोट के शिकार। रूस में व्लादिमीर पुतिन 2030 तक बने रहेंगे राष्ट्रपति, 6 साल के लिए फिर चुने गए, करीब 88% वोट मिले। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दोबारा चुने जाने पर बधाई दी, कहा साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। उतार चढ़ाव के बीच मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 104 और निफ्टी 32 अंक चढ़कर बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4 पैसा कमजोर, $1.82.90 पर रहा।